नमस्कार, खबरों का दंगल में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुष नेगी। तो चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों का गुस्सा अभी थमा नहीं है। इसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रवार को भी पंजाब में किसानों का रेल रोको अभियान जारी है, तो इसके साथ ही उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली के आसपास के इलाकों में भी विरोध किया जा रहा है। किसानों की मांग है कि सरकार MSP देने की बात बिल में शामिल करे। तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीडियो संदेश जारी कर किसानों की मांग को सही ठहराया है और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सोनिया ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार किसानों को खून के आंसू रुला रही है और साथ ही सोनिया गांधी ने कहा है और तमाम सवाल भी उन्होंने पूछे हैं कि किसानों की रक्षा आखिरकार कौन करेगा, क्या सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा। गांधी जी कहते थे कि भारत की आत्मा भारत के गांव, खेत और खलिहान में बसती है। आज जय जवान जय किसान का नारा देने वाले हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है, लेकिन आज देश का किसान और खेत मजदूर कृषि विरोधी तीन काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। अपना खून पसीना देकर देश के लिए अनाज उगाने वाले अन्नदाता किसान को मोदी सरकार खून के आंसू रुला रही है। कोरोना महामारी के दौरान हम सब ने सरकार से मांग की थी कि हर जरूरतमंद देशवासी को मुफ्त में अनाज मिलना चाहिए। ये जो हम रेलवे ट्रैक देवीदासपुरा पर बैठे हैं, 24 तारीख से बैठे हैं, आज 9वें दिन में ये धरना दाखिल हो गया हमारा और ये 5 तारीख तक हमने ऐलान किया हुआ है। 5 तारीख तक तो ये चलेगा, आगे क्या होता है वो हमारी मीटिंग में जो भी ऐलान आएगा उसके बारे में वो बाद में ऐलान करेंगे। अभी तो ये धरना लगातार जो चल रहा है और ये 5 तारीख तक चलेगा और दूसरी जो पंजाब की जथेबंदियां वो भी कई जगह पर रेलवे ट्रैक पर और भाजपा नेताओं के घरों पर भी बैठी है, उनको भी हमारा जो पूर्ण जो समर्थन हमने जो दिया हुआ है ये चलेगा। हमने कल के रोज से, पहली तारीख के रोज से एक हफ्ते के लिए ये सभी जथेबंदियों को समर्पित किया है। हमारा पूर्ण समर्थन है, जो किसानों मजदूरों की मांगों को लेकर लड़ रहे हैं उनके हक में ये हमायत है हमारी कल रोज से, और 5 अक्टूबर तक ये जारी रहेगा। 4 को हम अगला ऐलान करेंगे। तो कृषि बिल पर किसानों का हल्ला बोल लगातार जारी है। तो बीजेपी नेता विजय सांपला हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं ज्यादा बातचीत के लिए। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्कार जी। विजय जी, एक तरफ पूरा देश आज गांधी जयंती मना रहा है, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज मनाई जा रही है, तो दूसरी तरफ किसान लगातार अपना कार्यक्रम उनका जारी है, विरोध प्रदर्शन जारी है, कैसे देखते हैं आप? क्योंकि अब साफ तौर पर चेतावनी किसानों ने दे दी है कि 5 अक्टूबर तक अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे जाकर उग्र आंदोलन यहां पर किया जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो बीजेपी की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं किसानों को मनाने के लिए, लेकिन जो समझाने की प्रयास यहाँ पर है वो कहीं ना कहीं अब रंग लाते नजर नहीं आ रहे हैं। हेलो जी, क्या कहेंगे विजय सांपला जी आप? जी मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा की वो जो समझाने के प्रयास है वो रंग नहीं ला रहे, मैं यहाँ पर यह कहूंगा कि हमने प्रयास, क्योंकि हम पहले तो पूर्ण रूप से अकाली दल पर निर्भर थे कि वो किसानों के साथ बात करने के लिए हमेशा वही आगे आते, क्योंकि अलायंस था हमारा, हम छोटे भाई के रूप में काम करते थे, मगर हमने अब कमान अब बीजेपी के हाथ में है तो अभी हमारा काम काफी आगे बढ़ गया। हमने टीमें भी बना दी और बहुत सारी जगह पे हमारी बातचीत भी चल रही है,
दूसरा जो मैं हमने ये भी कहा कि किसानों को या तो हमें समझा दो या हमारी बात समझ लो, ये किसानों के हित में है, हम समझा देते हैं। अगर आपको कहीं अगर है तो हम टेबल पे बैठ के करने के लिए तैयार है। अगर आपको कहीं लगता है कि आपके हित में नहीं है तो हमें समझा दो, हम वो भी कर लेते हैं। लेकिन विजय सावला जी, आपका यहाँ पर मेरा सवाल तो ले लीजिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब बिल लाया गया था तो आप पूर्ण रूप से अकाली दल पर निर्भर थे, लेकिन जब बिल को प्रस्तुत किया गया था सदन में तभी जो केंद्रीय मंत्री थी हरसिमरत कौर, जो कि अकाली दल से आती है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उनका साफ तौर पर कह रहा था कि वो इस बिल के समर्थन में नहीं है, अकाली दल बिल के समर्थन में नहीं है। लेकिन इतने दिन हो गए हैं, उसके बाद भी बीजेपी के तरफ से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं, क्यों क्यों आप शिरोमणि अकाली दल के पर निर्भर रहे हैं इन पूरे चीजों के मामले में? देखिए, हम अगर पूरे अकाली दल के ऊपर निर्भर की बात करें तो ये पिछले 10-15 साल की बात करेंगे तो हम वहीं पे उसी सिस्टम से चलता आ रहा है। जहां तक आप हरसिमरत की बात कर रहे हैं या प्रकाश सिंह बादल जी की कर रहे हैं या सुखबीर की बात कर रहे हैं, तो ये 15 दिन पहले तो ये कह रहे थे कि ये बिल बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है, और एकाएक इनको अपनी कहीं जमीन कहीं और कहीं तलाशने की कोशिश की और ये हमसे बाहर आए और ये अलग तरीके, ये अलग सवाल है। जहां तक किसानों क्या है कि किसानों के हित के लिए बात करती आई, किसानों के हित में हमेशा मोदी सरकार काम करती आई, मगर मैं यहां पर आपको ये कहूंगा कि भी ये बिल जो है तीनों के तीन किसानों के हित में है और ये किसान कम और उनको या तो लेफ्ट जो लेफ्टिस्ट हैं वो या कांग्रेस या अकाली या आम आदमी पार्टी उनको उकसा रही है और उसमें अपनी राजनीति की रोटियां सेक रही है। अगर देखा जाए किसान समझने को तैयार है, मगर ये आपने देखा है कि जिस तरह से यूथ कांग्रेस के लोग गुंडागर्दी के ऊपर उतरे हुए हैं या उनको समझ नहीं दे रहे। चलिए चलिए, विपक्ष का समर्थन किसानों को मिल रहा है, आपका कहना है कि किसान को भड़काया यहाँ पर जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा, लेकिन सर एक बात तो आपको भी यहाँ पर माननी होगी, आपका कहना है कि अकाली दल ने एक लास्ट टाइम पर आपको कहीं ना कहीं धोखा दे दिया है, आप पूर्ण रूप से उन पर निर्भर थे। तो चलिए, जब आपका समर्थन, जब अकाली दल आपके साथ था तो बिल लाने से पहले आपने क्यों नहीं बातचीत की, क्यों उससे पहले किसानों के बीच बीजेपी नहीं गई, क्यों आखिरकार हमेशा ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई कानून या फिर बिल पास कराना होता है उसके बाद लगातार अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जब भी कोई बिल आता है, जब भी कोई कानून आता है उसके बाद अब ये चीजें हमें देखने को मिलती है कि चलिए प्रदर्शन अब होना ही है, लेकिन क्यों आखिरकार सरकार की तरफ से पहले ही इन चीजों को समझाया नहीं जाता है? अगर आप किसानों को इस बिल के बारे में पहले से जानकारी देते, पहले से इन चीजों को लेकर उनके बीच जाते, तो आज ये नौबत कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलती, आप भी इससे सहमत होंगे? ऐसा है बहन जी, ऋषि जी, अब थोड़ा सा मुझे बोलने का समय दीजिए। आपका सवाल बोलिए, बोलिए सर, बोलिए, चलिए बोलिए, जवाब देने के बीच में आप टोक देते हैं। चलिए, तो मेरा सवाल तो ले लीजिए ना। नंबर एक, पहले मुझे बात तो करने दो ना। चलिए बोलिए विजय सावला जी, बोलिए जी। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देश में अगर सभी जगह कहीं किसान आंदोलन इतना नहीं हो रहा और ये जब सारा जहाँ तो पंजाब में हो रहा है और जहाँ पे हो रहा है ये बाकी कांग्रेस या दूसरी पार्टियों को भड़काने के ऊपर हो रहा है, मगर पूरे देश में आप समझा पाए? सिर्फ हमारी ये गलत ये हुई कि किसानों पर निर्भर हुआ कि अकाली दल ने हमारे साथ धोखा किया, ये हम भी मानते हैं। और आज ये जरूर कहूंगा कि मैं किसानों से अपील भी करूंगा आपके माध्यम से कि ये जो रेल रोको है आप अपना प्रदर्शन करना कहीं भी किसी भी तरीके से करें, मगर आज धान की फसल मंडियों में आ गई, धान की फसल गोदामों में रखने के लिए गोदाम खाली करने पड़ेंगे और खाली करने के लिए रेल ट्रैक साफ चाहिए क्योंकि माल दूसरी जगह जाएगा तभी वो जगह मिलेगी। दूसरा, ये बहुत बड़ा किसानों के ये अपने आप में नुकसान हो रहा है जो रेल ट्रेन रोके, आप सवारी वाली रोक सकते हैं मगर आप मालगाड़ियों को रोकेंगे तो ये किसानों का ही नुकसान है। और दूसरा, जो आप ये मैं देख रहा हूँ कि इसी की आड़ में कोई किसी के पेट्रोल पंप जला रहा है, कोई किसी का बहुत जा रहा है और ये संदेश जाएगा कि ये पंजाब में इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात है, ये पंजाब सरकार ही उनको उकसा रही है और ये पंजाब का नुकसान कर रहे हैं। चलिए चलिए विजय सर, आप बने रहिए हमारे साथ जी जी, और ये भड़का कर उनको खराब, और मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा सभी किसानों से कि ये मत करें
अगर किसी के मंशा हैं और हम समझाने के पूरे देश के किसानों को समझा सकते हैं। चलिए विरसा जी, आप हमारे साथ, माफ कीजिएगा विजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हमारे साथ अकाली दल से प्रवक्ता जुड़ रहे हैं विरसा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है विरसा सिंह जी न्यूज इंडिया में आपका। थैंक यू जी। जी विरसा सिंह जी, काफी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं, लगातार आप बात सुन रहे हैं। विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से किसानों का जो ये आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं उनका कहना है कि किसानों तक बात पहुंचाने में बीजेपी इसलिए कामयाब नहीं हो पाई है क्योंकि शुरू से ही अकाली दल पर बीजेपी निर्भर थी, उनको लगता था कि कहीं ना कहीं समर्थन उनको मिलेगा और अकाली दल इस पूरी चीज में उनकी मदद करेगी और किसानों तक उनकी बात पहुंचाने में कामयाब उनका साथ देगी, लेकिन आखिरी समय में अकाली दल ने दल बदल लिया, आखिरी टाइम पे उन्होंने गठबंधन को छोड़ दिया, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि पूरे हिंदुस्तान में जेकर कोई किसान पार्टी है तो वो श्रोमणी अकाली दल है जी। जेकर किसानों के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आना था, किसानों के लिए कोई कानून लेकर आना था तो उसका मशवरा, उसकी सलाह सबसे पहले तो श्रोमणी अकाली दल से करनी चाहिए थी। जब ऑर्डिनेंस बन जाते हैं तब श्रोमणी अकाली दल को बोला जाता है कि किसान के हित में है, तो हमने शुरू में ये कहने की भी किसानों को कोशिश की, पर जब हमने भी स्टडी की, जब हमने भी उस कानून को डीपली देखा और किसान जथेबंदियों से सलाह मशवरा किया, किसानी मारों से किया जी। तो ये बात स्पष्ट रूप में सामने आई कि ये जो ऑर्डिनेंस है ये किसानी के लिए खतरनाक है, और हमने भी उसको अच्छी तरह जब उसके स्टडी की तो फिर हमने क्या किया कि हमने केंद्र सरकार को बोला कि ये तो किसान के पक्ष में नहीं है, ये तो किसान की तबाही है, ये तो कारपोरेट घरानों को सजा देने वाली की बात है, तो इसमें किसान ये चाहते हैं कि इसमें ये डिलीट किया जाए और ये एडिट, मतलब ये एडिशन की जाए इसमें और ये डिलीशन की जाए, इसमें ये डाल लिया जाए और ये निकाल लिया जाए जी। तो सुनते जरूर रहे हैं जी, तो किसी ने उस पे असर करने की कोशिश नहीं की। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ, कांग्रेस नेता राजकुमार जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जी न्यूज इंडिया में आपका। बहुत धन्यवाद राजकुमार जी। जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, आज 10वां दिन है, किसान सड़कों पर बैठे हैं, रेलवे ट्रैकों पर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन साफ तौर पर बीजेपी का आरोप है जिस तरीके से आपकी पार्टी के द्वारा लगातार समर्थन यहाँ पर किसानों को दिया जा रहा है, उनका ये साफ तौर पर इल्जाम आप पर लग रहा है कि राजनीति रोटियां सेकने का काम सिर्फ विपक्ष यहाँ पर कर रहा है, सिर्फ इस भूमिका को निभा रहा है और इसलिए अब किसानों की चिंता यहाँ पर विपक्ष को सताने लगी है, क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए बात रोटियां सेकने की नहीं, रोटियां छीनने की है और किसानों के पेट से जो लात मारी है बीजेपी ने, आज पूरा देश त्राही त्राही कर रहा है और हैरानगी इस बात की है कि बीजेपी की बेशर्मी की हद देख लीजिए कि वो कह रहे हैं कि 117 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम गांव में जाएंगे, और आप देख लीजिए आज की रिपोर्ट ले लीजिए, जिस गांव में बीजेपी के नेता जा रहे हैं लोग पकड़ पकड़ के उन्हें पीट रहे हैं, जूते मार रहे हैं, और उनको ये बात को समझ लेना चाहिए कि ये पंजाब की त्रास भी है और पंजाब के किसानों को आपने ठगा है, पंजाब के किसानों को आपने लूटा है, तो पंजाब का किसान आपको माफ नहीं करेगा, उनको समझदारी से काम लेना चाहिए। आज भी हम लोगों की एडवाइस है कि वो अपना ये बिल वापस ले और ये देश विरोधी है, पंजाब विरोधी है, ये नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए और अपने विचार दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो चलिए